सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो का साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे प्ले स्टोर में आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं हो रहा है तो भाई उससे आपको किस तरह से जो है उसको फिक्स करना है या फिर सॉल्व करना है, किस तरह से अपडेट हो पाएगा आपका क्रोम ब्राउज़र। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पर जाते हैं और यहाँ पर अपना जो है क्रोम ब्राउज़र जो है हम लोग सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोम आ रहा है तो मैं इसको सर्च करता हूँ। देखिए ये जो है अपडेट आया हुआ है तो मैं इसको क्लिक करके जो है अपडेट पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरा अपडेट होता है या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से जो है लोडिंग ले रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, अभी अभी ये हो जाना चाहिए पर ये नहीं हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मैं कोई दूसरा एक एप्लीकेशन को लेता हूँ तो देखिए किस तरह से जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अपना एप्लीकेशन चेक कर लेता हूँ यहाँ पर और कोई भी एक एप्लीकेशन मैं अपडेट करके दिखाता हूँ आपको छोटा सा। चलिए मैं इसको ही अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये अपडेट आया हुआ है तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए ये किस तरह से अपडेट हो जाएगा। तो देखिए ये अपडेट होकर इंस्टॉलिंग हो रहा है, अभी इंस्टॉलिंग आ रहा है और ये ओपन भी हो चुका है, अपडेट हो गया इसका, एक बार में ये अपडेट हो चुका है। पर जैसे ही मैं क्रोम पर जाता हूँ तो क्रोम पर जो है मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि भाई क्रोम ब्राउज़र जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए मैं फिर से क्लिक ट्राई करता हूँ तो ये जो है देखिए इस तरह से घूमते रहता है पर ये लोडिंग जो है नहीं लेता है, मतलब अपडेट नहीं होता है। तो इसी तरह से इसका प्रॉब्लम जो है चल रहा है। तो भाई इसको आपको किस तरह से फिक्स करना है वही उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं और देखते हैं कि भाई काम चलता है या नहीं। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये अपडेट नहीं होगा मुझे पता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपना सेटिंग पर। तो सेटिंग पर जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद जो है अपना एप्लीकेशन मैनेजर पर चले जाना है। तो मेरे यहाँ पर ऐप एंड नोटिफिकेशन है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। आपका पास एप्लीकेशन मैनेजर या फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पर आ रहा होगा सी ऑल ऐप, तो आपको पूरा सब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर, जो कि बहुत लोगों ने आपको बताया होगा ये थोड़ा अलग है पर देखते हैं चलिए। और यहाँ पर जो है हम लोग का गूगल प्ले स्टोर मिल चुका है, देखिए ये वाला हाल है हम लोग का गूगल प्ले स्टोर। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा तो इसी थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है अनइंस्टॉल अपडेट्स, तो मैं इसको अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से कर दीजिएगा। तो देखिए ये हो गया अनइंस्टॉल अपडेट्स, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा काट करके अभी मैं फिर से जाता हूँ प्ले स्टोर पर, मैं सबको काट देता हूँ एक बार के लिए। उसके बाद फिर से प्ले स्टोर पर जाता हूँ। प्ले स्टोर पर जाने के बाद मैं अभी ट्राई करता हूँ कि भाई मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है वो अपडेट होता है या नहीं, ठीक है। चलिए मैं अपना एप्लीकेशन पर चले जाता हूँ और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है नहीं आ रहा है, ओके। चलिए मैं यहाँ पर सर्च ही कर लेता हूँ डायरेक्ट सी ए क्रोम, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो ये मेरा क्रोम निकल गया है, आप इसमें क्लिक कर लीजिए। अभी इसको अपडेट करके देखते हैं कि भाई ये काम करता है या नहीं। तो चलिए मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो देखिए ये लोड ले रहा है, शायद इस बार काम हो जाए। तो देखिए ये क्रोम ब्राउज़र मेरा अपडेट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है अभी लोडिंग मतलब अपडेट हो रहा है अभी। तो देखिए ये कुछ ही देर के बाद जो है ये ओपन हो जाएगा, मतलब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए ये जो है अपना अपडेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। मैंने कहा था आपको अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट जो है अभी हो चुका है, हो रहा है, ओके। देखिए ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग का काम हो चुका है। बस आपको करना क्या है, जिस तरह से मैंने कहा उसी को आपको करना है। आपका क्रोम ब्राउज़र जो है कहीं पर भी हो वो अपडेट हो जाएगा। देखिए अभी जो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है अपडेट हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।